हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कुछ वैकेंसी आई है, जो ये वैकेंसी प्रकाशन की तिथि 28/12/2021 है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, आप जानते हैं, इस चैनल पे हम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, हर तरह की कंपटीशन की, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, फायरमैन, आईएसबीटी और ग्रुप सी स्किल से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कि कैसे क्या तैयारी करना है, ये बहुत बार बताया गया है और चैनल पे अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन कि कैसे कैसे तैयारी करना है, उसको आप फॉलो करें। और सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियो भी अवेलेबल हो जाए, आप हमारे संपर्क में रहें। तो हर तरह की जानकारी हम स्टूडेंट को देते हैं। तो कई स्टूडेंट का कहना था कि सर जॉब से रिलेटेड भी बात आनी चाहिए, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज आई है। तो इसमें वैकेंसीज आई है आपको पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष वर्ग में 785 पद है और आईआरबी में 291 पद है और तथा फायरमैन के पुरुष और महिला के लिए 445 पद है और टोटल 1521 पदों पर सीधी भर्ती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लेंगे। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 28/12/2021 है, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 3 जनवरी 2022 है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 है और लिखित परीक्षा अनुमानित समय जून है। अब आप ये है कि जाहिर सी बात है, जब ये विज्ञापन आया है तो इसका एग्ज़ाम हो गए, तो इसको आप भर लेंगे और चैनल के माध्यम से तैयारी आप करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसमें क्या है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षित संवर्ग के जनपदीय पुलिस के रिक्त 785 पद, आपको मैंने बताया टोटल 1521 पद है जिस पे भर्ती होनी है, इस 1521 पद पे, और आखिरी टाइम है 16 फरवरी तक आप भर लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है। आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में दर्ज की गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार की त्रुटि रहित OTR होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। आवेदन पत्र भर जाने और सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत इस आवेदन पत्र के लिए OTR में संशोधन संभव नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थ निरस्त किया जा सकता है। तो आप जानते हैं, आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए OTR जरूरी हो जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसी के माध्यम से जैसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है, फिर उसके बाद आपका पासवर्ड मांगता है, तो इस काम को करना है। OTR भरने में सहायता के लिए टॉल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आयोग का ईमेल आईडी भी आपको दिया गया है, chainayog@gmail.com। उपर्युक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो जनरली जो ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव, आप जानते हैं, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन की तैयारी बहुत आसान है, उसके लिए हमने
सारे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस सारे टेस्ट सीरीज तैयार किया है और जीके की टेस्ट सीरीज है। आप जीके 105 वीडियो को कंप्लीट कर ले तो मुझे उम्मीद है कि ये इसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक से आयोग की वेबसाइट दैनिक समाचार पत्रों में तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें आप ये देखिए पद नाम आप देखिए क्या क्या है और किस किस पद के लिए आप भरेंगे फॉर्म। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी ये पुरुष के लिए है और आरक्षी पीएसी या आईआरबी ये है पद का नाम। और उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुलिस विभाग इसमें अनुसूचित जाति के लिए 149 अनुसूचित जनजाति के लिए 31 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 110 और आरक्षित वर्ग है 79 सामान्य वर्ग है 416 सामान्य वर्ग भी काफ़ी है और कई जनरल स्टूडेंट ये समझते हैं कि कम है तो 416 कम नहीं होता। योग 785 और उत्तराखंड आरक्षी पीएसी या आरबी पुलिस ये दो पोस्ट है यहाँ पर इसमें 291 पोस्ट है तो टोटल मिलाकर 785 प्लस 291 टोटल पोस्ट है। सामान्य के लिए उत्तराखंड आरक्षी पीएसी में 154 पोस्ट है तो कुल मिलाकर के 1500 पोस्ट हो जाता है 1500 सीट हो जाती है। ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिला पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित है उन पदों में महिला है तो 30% 36 आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। जहां जहां महिलाओं के लिए अलग से सीट है वहां पे अलग से लागू नहीं होती है। वेतन मान देखिए 2100 रुपया 21700 रुपये से 69100 लेवल 3 तो 21700 से 69100 ये आपको वेतनमान है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षणिक अर्हता असल है आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए यानी इंटर पास होना चाहिए। अब देखिए शारीरिक फिजिकल एबिलिटी क्या है हाइट कितनी मांगता है तो सामान ऑब्लिक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए नॉर्मली 165 सेंटीमीटर लंबाई होती ही है और इसमें आपका आ जाएगा। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता संबंधित प्रमाण पत्र आपको जरूर लगाना पड़ेगा अनुसूचित जनजाति का या पर्वतीय क्षेत्र का। तो उसी तरह ये हो गया फिजिकल एबिलिटी सीने की माप हो गया सामान्य और ओबीसी के लिए और एससी के विद्यार्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए अब फुला करके 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर 81.3 सेंटीमीटर और सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। तो ये था पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा। देहरादून पूरी चक्राता तहसील तथा रायपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र नैनीताल गढ़वाल कोटद्वार सहित अब सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग ये सब पर्वतीय क्षेत्र में माना जाएगा। नवसृजित जनपद बागेश्वर रुद्रप्रयाग चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा चमोली और पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण
देखिए फिजिकल एबिलिटी और फिजिकल क्वालिटीज काफ़ी हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंक की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो इवेंट का नाम देखिए, आपके पास 5 इवेंट है और 5 इवेंट में आपको हर इवेंट में आपको कम से कम अंक इतने लाने हैं जो इसमें दिया हुआ है। क्रिकेट बॉल थ्रो ये टोटल 20 नंबर का है और दूरी है 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर, 70 मीटर। मिनिमम 50 मीटर आपको क्रिकेट बॉल थ्रो फेंकना है, इसमें 10 अंक मिलेंगे, 55 मीटर में 12 अंक, 60 मीटर में 14, 65 मीटर में 16 और 70 मीटर में, मतलब 70 मीटर अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, मैक्सिमम 70, मिनिमम 50 आपको बॉल थ्रो करना है, तो इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप लंबी कूद दूसरा पॉइंट है। लंबी कूद जो है 13 फीट मिनिमम है, मिनिमम 13 फीट है लंबी कूद आपको करना है, इसमें 10 नंबर मिलेगा और 14 फीट में 12, 15 फीट में 14, दो नंबर बढ़ाते जाइए, 16 फीट में 16, 17 फीट में 18, 18 फीट में 20 नंबर मिलेंगे। टोटल 20 नंबर के हैं, 20×25 100, 5 कैटेगरी में 20-20 नंबर हैं आपके, उसमें कम से कम 50 नंबर आपको लाने हैं। और उसके बाद चीनिंग अप बीम, बीम खींचने वाली बात है, 5 बार छूना है कम से कम 5 बार आपको छूना है तो 10 नंबर मिलना है और मैक्सिमम 10 बार छूना है तो 20 नंबर का है ये। 7 बार छूएंगे तो 12 नंबर, 8 बार छूना है तो 14 और 9 बार छूना है, 5 के बाद आप कंटिन्यू बढ़ाते जाएं, नंबर भी बढ़ाते जाएं, तो मैक्सिमम मिनिमम 5 आना चाहिए चीनिंग अप में। चौथा इवेंट है आपका बैठक पूर्णांक 10, इसमें 2 खंड है, क है खंड, क है इसमें, इस बैठक में जो है 2 मिनट में 4 50 सेकेंड है, 50 बैठक आपको अगर पूर्ण करना है तो उसमें 4 नंबर मिलेंगे, ये 10 नंबर के हैं टोटल। 65 बैठक 2 मिनट में करना है तो 6 नंबर मिलेंगे और टोटल 10 नंबर का है ये। और 80 बैठक अगर 2 मिनट में करते हैं, उठक बैठक जो होता है तो वो 8 नंबर, और 100 बैठक अगर 2 मिनट में कर लेते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। 50 बैठक अगर आप कर लेते हैं 2 मिनट में, मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद खंड ख को आप देखिए, खंड ख में क्या है, दंड बैठक के प्राप्त अंक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इसमें दोनों का मिला करके किया गया है, ठीक है, तो दोनों का मिला करके आपको 10 नंबर चाहिए। तो देखिए क्या है कि दंड बैठक जो है 25 बार 4 मिनट में करना है तो 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ अगर आप 65 बार कर लेते हैं तो 6 नंबर मिलेगा और 25 बार यहाँ कर लेते हैं तो दोनों मिलाकर के मिनिमम आपका कम से कम 10 नंबर होना चाहिए, ये है फंडा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ जो बैठक है, इस बैठक में जो ऊपर वाला बैठक है, इस बैठक को अगर आप ये करते हैं, सपोज के 50 बैठक करते हैं 2 मिनट में तो 4 नंबर मिलता है, तो मिनिमम आपको यहाँ पे दंड बैठक 35 बार करना पड़ेगा 4 मिनट में, तो 6×4=10 होगा। अगर आप मान लीजिए कि ये 6 नंबर प्राप्त करते हैं और ये 8 नंबर प्राप्त करते हैं, 50 बार दंड बैठक करते हैं, तो आपका 14 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप मैनेज करेंगे तो दंड बैठक मिनिमम 25 आपको करना है 4 मिनट में, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, उसके 4 नंबर है, 35 बार
करेंगे 4 मिनट में तो 6 नंबर मिलेंगे, 50 बार करेंगे 4 मिनट में तो 8 नंबर मिलेंगे, और 75 बार करेंगे 4 मिनट में तो 10 नंबर मिलेंगे। अब दौड़ की बात है, पांचवा इवेंट दौड़ है, और दौड़ या चाल जिसको आप कहें, ये भी 20 नंबर का 3 किलोमीटर है, 20 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ करना है, 10 नंबर मिलेंगे। कम से कम आप 20 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ेंगे या चलेंगे, जो भी करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 18 मिनट में अगर करते हैं दौड़ 3 किलोमीटर तो आपको 12 नंबर मिलेंगे, 16 मिनट में दौड़ करते हैं तो 14 नंबर मिलेंगे, 14 मिनट में दौड़ करते हैं तो 16, 12 मिनट में दौड़ करते हैं 3 किलोमीटर तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। देखिए 18 मिनट में दौड़ 3 किलोमीटर करना बहुत आसान है, 6-6 मिनट में 1 किलोमीटर का आप टारगेट बनाइए तो आप 12 नंबर यहाँ अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप जान लीजिए ये कंपटीशन है, आपको अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आपको मैं टारगेट देता हूँ 16 मिनट में 14 नंबर आपको मिलेगा। 16 मिनट में आप इस काम को 2 महीने के प्रैक्टिस में जरूर कर सकते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम अलग अलग दिया गया है, चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तु दो घंटे की वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल च्वाइस एवं एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी भी होगा। देखिए एक सामान्य हिंदी होगा, एक सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन सेम चीज है जो उत्तराखंड से संबंधित होगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक तो आपका हिंदी होगा पहला, और दूसरा होगा सामान्य ज्ञान, और तीसरा होगा यूके का सामान्य ज्ञान, और ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो 3 कैटेगरी के आपके क्वेश्चन होंगे, और ये सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, जीके का एक प्लेलिस्ट है 105 वीडियो का, इसको आप कंप्लीट करेंगे। जीके टेस्ट सीरीज है, दोनों अलग अलग चीज है, टेस्ट सीरीज है, और इस तरह से आपको अलग अलग उत्तराखंड टेस्ट सीरीज है, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है, उसको आप सुनते जाइए लिखते जाइए। साथ साथ में मैं आपको बताऊं उत्तराखंड की मेगा सीरीज भी है, उसको भी आप कंप्लीट कीजिए, जो 2 वीडियो में पूरा उत्तराखंड आपको कंप्लीट किया गया है। तो इस तरह से अब रिक्तियों का विवरण, क्षैतिज आरक्षण, इसकी तो कोई खास आपको आवश्यकता है नहीं, इसको आप देख लेंगे, जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है, दूसरे पदनाम के लिए बता रहे हैं। लेकिन अब हम शारीरिक योग्यता पे, शारीरिक योग्यता नॉर्मली एक ही है करीब करीब, सामान्य वर्ग के व्यक्ति 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति है तो 147, इसमें थोड़ा कम है, वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। डायरेक्ट एजुकेशन पे आते हैं, यहाँ भी सेम है, लगभग सब चीज वही है, आप एक ही टारगेट पे चले और इस आगे बढ़े। असल फिर क्वालिफिकेशन का हम देखते हैं, लिखित, देखिए यहाँ पे भी आ गया, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम 100 अंकों का 2 घंटे का MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल च्वाइस, ये होगा, इसमें वही चीज आ गया, हिंदी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड। तो असल चीज ये है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा, असल बात यह है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, और सामान्य वर्ग, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो जानना जरूरी है, OBC की श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% अनुसूचित जाति और जनजाति के 35% अंक लाना जरूरी है, मिनिमम आपको 45 लाना है अगर आप जनरल में आते हैं तो, और OBC में, और मिनिमम लाना है SC ST के 35%, ये है इंपॉर्टेंट बात, बाकी सारी बातें आप जानते हैं। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक, निगेटिव मार्क भी है 1/4, यानी 1/4 का मतलब हो गया अगर आप 4 गलत करेंगे तो 1 सही आंसर आपका कट जाएगा।
और बाकी बातें नॉर्मल हैं, उनको ज़्यादा उन पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आयु की बात है तो कम से कम न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना आवश्यक है। आगे आइए, और अधिकतम 22 वर्ष ये है। और आगे आइए, उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के शासनादेश संख्या इतना आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। और 5 वर्ष की छूट है इस अधिनियम के तहत, शासनादेश संख्या 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट जो है एससी एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए है। इस बात को आप समझ लीजिए। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात, 3 वर्ष से अधिक ना हो, क्या है, देखिए अधिसूचना संख्या इतना कार्मिक दिनांक 25 अप्रैल 1977 के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। और यदि परिणाम जन आयु इस पद सेवा के निमित्त जिनके लिए वो नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो, यह समझा जाएगा कि वो उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है। सेना में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के आश्रित को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट के आधार पर प्रदान की जाएगी। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं और इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। एनओसी, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में होने विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। राष्ट्रीयता, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो या भारत में स्थायी निवास के आशय से पहले जनवरी 1962 से भारत में हो, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान में आमार, अच्छा ये तो आप है ही नहीं, तो भारत का निवासी होना जरूरी है, यानी भारत का कोई भी निवासी इसमें फॉर्म भर सकता है। भारत का निवासी हो का मतलब भारत का निवासी फॉर्म भर सकता है, परंतु ये भी यदि अभ्यर्थी उपयुक्त का कोई पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाए कि भारत का नागरिक प्राप्त कर, भारत की नागरिकता जरूरी है इसके लिए। चिकित्सा स्वास्थ्य, अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। बहरहाल तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो थी कि क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया क्या है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है www.ssc.uk.government.in और इसके साथ मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो आप कर लेंगे। और साथ साथ में उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की ईमेल को स्कैन कर अपलोड करना होगा, वो सब आप लोग कर रहे हैं, फोटो का साइज स्कैन ये सारी चीज़ें आजकल 50 KB कम से कम के भी सारी बात समझ में आ गई है और इसको आप भर लीजिए। 16 फरवरी लास्ट डेट है, 16 फरवरी तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं।